कि जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला तीसरा बैठक और पहला सत्र के तीसरा बैठक के दौरान जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिए। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिए। और 22 जनवरी इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 क्या उसी बीच में ना 22 जनवरी आएगा? एकरा मतलब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पहला सत्र के दौरान और अपनाया गया दूसरा सत्र के दौरान। और कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा अपना लिया तो यही उद्देश्य प्रस्ताव कहलाने लगा प्रस्तावना कहलाया। मतलब प्रस्तावना का यदि पुराना नाम पूछता है तो उद्देश्य प्रस्ताव। क्या मतलब? उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू रखे थे, मतलब उनका क्या क्या उद्देश्य था, जो वह उद्देश्य प्रस्ताव एक लेटर पर लिख के रखे थे, वही उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिया तो वह उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बन गया? प्रस्ताव। जिस प्रस्तावना को आज हम संविधान की आत्मा या दर्पण या कुंजी कहते हैं, और प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है, वही प्रस्तावना की बात हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किस बैठक में रखा, तीसरा बैठक में रखा, किस सत्र में रखा, पहला सत्र में रखा, किस सत्र में अपनाया गया, तो दूसरा सत्र में अपनाया गया। दूसरा सत्र का शासन काल 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 1947 तक है। क्या कोई दिक्कत? और इसी में बात था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। यहाँ पे जनवरी की जगह जुलाई कर देगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तो झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। झंडा को मतलब तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। खाली जनवरी से जुलाई कर देगा तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसको अपना लिया? तिरंगा को, यानी कि झंडा को अपना लिया। अब समझ में आया कि प्रस्तावना क्या है? यह जो प्रस्तावना है ना, यह एक प्रकार का लेटर था। और वह लेटर किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसके सामने रखा था? संविधान सभा के सामने रखा था। संविधान सभा क्या था? 389 आदमी का एक ग्रुप था। यह ग्रुप क्यों बनाया गया था? तो संविधान का निर्माण करने के लिए बनाया गया था। और उसको रखा गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, पहला सत्र में तीसरा बैठक के दौरान, या पहला सत्र के दौरान तीसरा बैठक में रखा गया, और दूसरा सत्र में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने अपना लिया। और जब संविधान सभा ने इसे अपना लिया तो वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बन गया। क्या? और प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, या प्रस्तावना को संविधान की दर्पण कहते हैं, या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। जबकि अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा। एक व्यक्ति था ग्रेनविल ऑस्टिन था, इन्होंने संविधान की आत्मा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा आत्मा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव
प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब जब किसी विद्वान के नाम देकर पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उस विद्वान के अनुसार कहिएगा। अगर कह देगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। जब भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेगा तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम ले लेगा तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यह राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ना, इसकी चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51। तो एक बार इसको रिविजन करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बोलिएगा, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था? जिसमें से 296 सदस्य कहां से आया? ब्रिटिश प्रांत। 93 वो देशी रियासत। 296 आया ब्रिटिश प्रांत, 93 आया देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत उसे कहते थे जहां पर अंग्रेजों का शासन था, और जहां पर राजा महाराजा के शासन था उसे क्या कहते थे? देशी रियासत। जहां पे अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज का शासन था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रांत। जहां पे अंग्रेज का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और जहां पे राजा महाराजा के शासन था उसे देशी रियासत कहा गया। संविधान सभा में टोटल मिलाकर 3 को बैठक। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा ने अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। इसकी कहानी बाद में करेंगे जब संविधान सभा पढ़ेंगे तब। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कब? 13 दिसंबर 1946 को। पहला सत्र के दौरान कौन सा बैठक में? तीसरा बैठक में। जबकि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब? 22 जनवरी 1947 को। उस समय दूसरा सत्र चल रहा था, तो रखा संविधान सभा के सामने पहला सत्र में, अपनाया गया दूसरा सत्र में, और वही जब अपना लिया तो वह उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या कहलाया? प्रस्तावना कहलाया। जिस प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा या दर्पण या पूंजी कहते हैं। मतलब अगर आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो दर्पण में देखिए, आप संविधान को देखना चाहते हैं तो प्रस्तावना को देखिए। मतलब जब आप पेपर उलटाइएगा ना, तो जो शुरू का पेज होता है ना, वो सभी बता देता है कि किस पेज में कौन सा घटना लिखा हुआ है। उसी प्रकार से प्रस्तावना बता देता है कि हमारा संविधान में पूरा क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या दर्पण या कुंजी कहते हैं। कोई तकलीफ? अब यह प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या दर्पण या कुंजी कहती है। तो B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा। अनुच्छेद 32 को B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा। और अगर ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम दे देगा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा, यानी DPSP को कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा। और DPSP की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और DPSP को ही ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कह डाला। तो जब ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम ले लेगा तब संविधान की आत्मा DPSP होगा। जब B.R. अंबेडकर का नाम ले लेगा तब संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहेंगे, और किसी का नाम नहीं लेगा तो संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? प्रस्तावना। मतलब जब किसी का नाम ले रहा तो उसके नाम के अनुसार संविधान की आत्मा को चयन कर लेंगे, लेकिन यदि नाम किसी का नहीं लेता है तब संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? प्रस्तावना कहेंगे। और प्रस्तावना संविधान जो प्रस्तावना है हमारे देश के 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। जो प्रस्तावना है यह
विश्व के चार देशों के संविधान से प्रभावित है, जिसमें पहला है अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा ऑस्ट्रेलिया। किसी का नाम इधर उधर हो कोई तकलीफ नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। हमारे देश का जो प्रस्तावना है वह अमेरिका से कैसे प्रभावित है, तो विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका है जिन्होंने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, और हम लोगों ने उन्हीं का कॉपी पेस्ट मारा और वहां से उठा के ला दिया। किसको? प्रस्तावना को। मतलब विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका हुआ जिन्होंने अपने देश में क्या लागू किया था, प्रस्तावना लागू किया था, और उन्हीं के दखला से भारत में प्रस्तावना को लागू किया गया। एक मतलब यह निकल के आता है कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है। विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका है जिन्होंने भारतीय जिन्होंने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को लागू किया था, और उसी के दखलावा से भारतीय संविधान में किसको लागू किया गया, प्रस्तावना। तो अमेरिका से कैसे प्रभावित है, तो विश्व का पहला ऐसा देश है अमेरिका जिन्होंने अपने देश के संविधान में किसको लागू किया था, प्रस्तावना को लागू किया था। ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है, जो प्रस्तावना की भाषा है, जो लैंग्वेज है, यह प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो प्रस्तावना की भाषा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, यह जो प्रस्तावना की भाषा है, यह प्रस्तावना की भाषा कहां से लाया, ऑस्ट्रेलिया से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। विश्व का पहला ऐसा देश कौन हुआ जिन्होंने देश में अपने संविधान में प्रस्तावना को लागू किया था, वह देश का नाम क्या है, विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका है जिन्होंने अपने देश के संविधान में किसको लागू किया था, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है, तो प्रस्तावना की भाषा कहां से लाए, ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लाए, तो प्रस्तावना की भाषा कहां से लाए, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से आया, तो प्रस्तावना की भाषा कहां से आया, ऑस्ट्रेलिया से, कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, यह जो प्रस्तावना की भाषा है कहां से आया था, ऑस्ट्रेलिया से। कोई तकलीफ? चलिए, यह प्रस्तावना कितने देश के संविधान से प्रभावित है, चार। सबसे पहला के नाम क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के बाद फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया का दीजिए, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या, फ्रांस, और चौथा कौन सा, रूस। अभी हम जस्ट समझाएं कि विश्व का पहला देश कौन है, अमेरिका। विश्व का पहला देश अमेरिका है जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को स्वीकार किया, क्या, प्रस्तावना को स्वीकार किया। उसके बाद क्या समझना है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा याद हुआ, नहीं याद हुआ होगा, क्या बड़ा जटिल सा है, भारत के लोग भारत में संप्रभु संपन्न, क्या, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ ना, तो वहां से क्या क्या लिया गया, तो वहां से भी तीन को शब्द लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति से तीन शब्द लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था।
जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था तो फ्रांस की क्रांति के दौरान एक शब्द दिया गया था, सॉरी तीन शब्द दिया गया था। वह तीन वो शब्द बड़ा बिजोड़ था। पहला था स्वतंत्रता, दूसरा था समानता और तीसरा था बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। और फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ ना, तो वहां से तीन को शब्द लिया, एक लिया स्वतंत्रता, एक लिया समानता और एक लिया बंधुत्व। और जो ये रूस है, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। और यहां से तीन प्रकार का न्याय लिया। मतलब रूस की क्रांति से तीन प्रकार के न्याय लिया गया, जबकि फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी तीन वो शब्द लिया गया। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। और फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तीन वो शब्द कहां से लिया गया? फ्रांस से। जबकि तीन प्रकार के न्याय कहां से लिया गया? तो तीन प्रकार के न्याय आपको लिया गया रूस के क्रांति से। और उस क्रांति का वर्ष 1917 में। इसमें सबसे पहला के नाम था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और उसके बाद राजनीतिक न्याय। यह जो तीन प्रकार के न्याय हैं, यह तीन प्रकार के न्याय कहां से लिया गया? रूस के क्रांति से।